यूपी के अमेठी में कलयुगी बेटे ने जमीन हड़पने के लिए जीते जी मां के ही अपहरण की साजिश रच डाली। कार्यवाही के लिए पुलिस पर दबाव बनाया कि अगर मां नहीं मिली तो आत्मदाह कर डालेंगे, लेकिन जब पुलिस ने वर्कआउट किया तो सभी दंग रह गए। मामला जिले के जामो थाना क्षेत्र के पूरे ठकुराइन मजरे बरौलिया से जुड़ा है। लाल बाबू किसान नेता हैं और साल 2019 में उन्होंने राहुल गांधी के मुकाबले पर चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि वो जमानत तक नहीं बचा सके, लेकिन उन पर आरोप है कि जमीन हड़पने के लिए मां को जय गुरुदेव आश्रम मथुरा भेजकर 19 लोगों के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। यही नहीं, कार्यवाही के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की धमकी भी दी थी। अपनी मां के अपहरण में उसने अपनी बहन सहित रिटायर्ड फौजी और महिलाओं समेत 19 लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम से मां को पुलिस ने बरामद कर लिया। दरअसल किसान नेता से भूल ये हुई कि वो मां को तो आश्रम में छोड़ आया था, लेकिन मां का मोबाइल भी साथ ले आया था और इसी मोबाइल से पुलिस वर्कआउट करने में सफल रही। पुलिस की सूझबूझ से 19 लोग फर्जी मुकदमे में जेल जाने से बच गए। अब पुलिस फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले किसान नेता पर कानूनी कार्यवाही करने में जुट गई है। उसके बाद क्या हुआ? तो हुआ फिर वहाँ भैया कहें कि हम कहा भैया कहें चलो तुम्हें पठाया चले, फिर वहीं पठाया चले जहाँ तू न मारी जा। कहाँ? मथुरा में। हाँ, कहीं वहीं तू रह पाई गया। अच्छा, फिर कैसे गए तुम लोग मथुरा, ट्रेन से कि बस से? बस से। बस से? हाँ। कहाँ से? रायबरेली से कि लखनऊ से? गांधी नगर वहाँ से गौरीगंज से बैठा तो रायबरेली। हाँ। रायबरेली से फिर गया कानपुर। हाँ। कानपुर से फिर मथुरा। आगरा। आगरा। आगरा से मथुरा। बाबू अमेठी से नाव 44 के लिए शुभम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज